नमस्कार सभी को, मैं सुनीता पालेरकर आपसे पिछले दो वीडियो में मिल चुकी हूँ। पहले वीडियो में मैंने वेट लॉस के बारे में बताया था और दूसरे वीडियो में मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था। अब ये जो नया टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, वो है एसिडिटी के ऊपर। एसिडिटी के नाम को सभी जानते हैं क्योंकि आज के भागम भाग युग में एसिडिटी 50-60% लोगों को इस बीमारी का असर, खराब वाला असर देखने को मिलता है। भागम भाग वाली ज़िंदगी में यूँ हो जाता है कि हम लोग क्या खा रहे हैं उसका पता ही नहीं चलता और बस खाना है इसलिए हम खा रहे हैं। तो इस एसिडिटी के टॉपिक को मैं आपको समझाती हूँ। इनको मैं 3 पॉइंट्स में बाइफरकेट किया है। वो 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट ये है कि आपकी सर्वप्रथम दिनचर्या कैसी है। यहाँ मैं प्राकृतिक चिकित्सा को जोर देते हुए ये कहूँगी कि उठते साथ यदि आपकी दिनचर्या में हरियाली, आसपास का वातावरण पॉजिटिव तथा योग, ध्यान, प्राणायाम आदि का समावेश जरूर होना चाहिए। सुबह उठ के टहलने जाने से ही एसिडिटी में कम से कम 20-30% रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जब शुगर घूमने से शुगर लेवल कम होता है तो एसिडिटी पे भी उसका अच्छे इफ़ेक्ट आता है। कहने का तात्पर्य गुड रिजल्ट्स आते हैं। अब ये देखा जाए कि एसिडिटी क्यों होती है। उसमें 2 प्रकार है एसिडिटी में। एक तो एसिडिटी हमको खूब ज़्यादा चिंता करने से, अरे क्या होगा करने से, हमारा जो खाना हम खाते हैं वो एसिड पूरी तरह से पचा नहीं पाता, ऊपर खाना रह जाता है, उसकी वजह से एसिड क्रिएट होता है। और दूसरा रीज़न, हम जो खाना खाते हैं उसमें एसिडिक पोर्शन ज़्यादा होता है। एसिडिक पोर्शन जिसमें आ गया तली हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, चटनी, अचार, सब तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा और तो और मिल्क प्रोडक्ट्स भी, ये सारी चीज़ों को एसिडिक की श्रेणी में लिया जाता है। यदि ये हम इसको बायफरकेट कर दें, क्षारीय भोजन और एसिडिक भोजन, तो एसिडिक हटाकर यदि हम क्षारीय भोजन की ही तरफ ध्यान दें तो ये एसिड कई मात्रा में, मान लीजिए 40-50%, ये काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। अब ये बात प्राकृतिक चिकित्सा पे यदि दोबारा ली जाए तो ये है, प्राकृतिक चिकित्सा इसमें ऐसे हेल्प करती है, सुबह उठते साथ हमको आज महसूस हो रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा एसिड बना हुआ है, तो उसमें सुबह उठेंगे हम गुनगुने पानी में नमक डालकर पानी इतना पीना है कि जैसे अब लगे कि अब पियेंगे तो उल्टी हो जाएगी। उतना पीने के बाद उकड़ू बैठना है, उकड़ू बैठ गए फिर दोनों उंगलियां मुंह में डालकर छोटी जीभ में आगे पीछे की तरफ करनी है, जो पानी हम पिए हुए हैं वो पलट के बाहर आ जाएगा और उसी के साथ एसिड निकल जाएगा। ये तो हो गया एक माध्यम। दूसरा माध्यम है एनीमा। हमारे आँतों में खूब पुराना मल फंसा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। हम मर्जी जितने फ्रेश हो जाएं पर आते कभी बिना मल से खाली रहती ही नहीं है, और कुछ मल तो ऐसा रहता है महीनों से सड़ा हुआ रहता है जो हमको समझ में नहीं आता वो कब जो एसिडिटी का कारण होता है। तो उसमें एनीमा पद्धति बहुत कारगर सिद्ध हुई है। कहने का तात्पर्य ये, एनीमा और
कुंजल क्रिया यानी वमन, ये दोनों अपने आप में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत बढ़िया चीज़ें जो आपको एसिड लेवल को इम्प्रूव करेगी, एसिड लेवल को इम्प्रूव करेगी। और साथ में खान पान की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हमको यदि जो खाना खाया है वमन कुंजल और वमन या कुंजल या एनिमा की पद्धति से भी हमको एसिड कंट्रोल करने में मदद मिली है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो हमको क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एसिड लेवल कम करना, तो एसिडिक फूड की जो लिस्ट है वो समझ में आई गई होगी, उसको हटा दीजिए। सिंपल सादा खाना जिसमें तला हुआ नहीं हो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ सीजनल रीजनल ओरिजिनल, बस इस चीज़ को फोकस करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो एसिड आपका नहीं बनेगा। अब जनरली सवाल ये उठता है कि लोग कहते हैं कि हमको एसिडिक टेंडेंसी होने की वजह से हमारा एसिड बनता है और बार बार भूख लगती है हमको, इसलिए हम बार बार खाते हैं। ये सिर्फ आप लोगों की धारणा है कि एसिड बार बार बनने से हमको बार बार खाना पड़ता है, ये सिर्फ दिमागी फितूर है। असल में दो टाइम आप खाना यदि तला भुना नहीं खाएंगे, मिर्ची वाला नहीं खाएंगे, सही समय पे खाएंगे, रीजनल सीजनल ओरिजिनल को ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आपको धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि एसिड का बनना कम हो गया है। एक एसिड का बनना उससे भी फ़र्क पड़ता है यदि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो, तब तो कई बार विटामिन B12 को भी आप चेक कर रही है। अब आती है बारी कि हमारे आसपास यदि नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, नेगेटिविटी काफ़ी फैली हुई है, या कुछ हमने ही अपने खुद से ही नेगेटिव खुद को करके रखा है, तो एक नेगेटिविटी का रीज़न भी एसिड जनरेट करने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करिए, क्योंकि ये डिसीज़ क्रॉनिक डिसीज़ में कन्वर्ट हो जाती है आगे चल के छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं, जो अल्सर आपको कैंसर में आगे चल के कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। ये एक्यूट डिसीज़ क्रॉनिक डिसीज़ में कन्वर्ट न हो, और अपनी इच्छा शक्ति यदि स्ट्रॉन्ग रखे तो 15 दिन में आपको इसके रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। इसका थर्ड रेमेडी ये है, मान लीजिए आप ये कुछ भी नहीं कर पाते, तो अपने लिए थोड़ा समय दीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आप 15 दिन के लिए जाइए, वहाँ सुबह से लेकर शाम तक आपको प्राकृतिक वातावरण में रहने से सबसे पहले तो वहीं फ़र्क आ जाएगा, दूसरा मिट्टी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हमारी शरीर संपूर्ण मिट्टी से ही बना हुआ है, जैसे ही मिट्टी के लेप पेट पे रखते हैं टॉक्सिन्स झड़ते हैं और एसिड कंट्रोल होने में मदद मिलती है। साथ में सुबह के टाइम वमन या कुंजल क्रिया एनिमा भी दिया जाएगा। सुबह शाम के ट्रीटमेंट से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में कई ऐसे काढ़े दिए जाते हैं जहां एसिड कंट्रोल होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो असंभव हो, बस ये हमको देखना है कि हमारी दृढ़ शक्ति दृढ़ संकल्प हमारा कितना है। तो तीन मैंने कैटेगरी जैसे बताई सूत्र में बांधे, तो सुबह की शुरुआत योग ध्यान प्राणायाम से, सेकंड पॉइंट आप अपने डाइट का ख्याल रखिए, जैसे कि एसिड लेवल वाली फूड्स नहीं आपको खाना है जिसमें एसिड बनता है, तीसरा आपका आसपास का वातावरण प्राकृतिक हो, और आखिरी में एक विशेष पॉइंट जो बताना चाहूँगी, मान लीजिए दो टाइम के खाने से आपको संतुष्टि नहीं होती फिर भी भूख लगती है, तो मेन टिप ये है, सुबह उठिए आप
भीगी हुई मनुक्का 10 पानी सहित चबा चबा के खाइए। शाम को आपको फिर भूख लगती है तो एक चम्मच गुलकंद में ग्लास भर पानी डालिए, घोलिए और उसको सिप 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 करके उसको पीजिए। आपको इससे, मेरा दावा है, मैं इसको बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं कि जिसको अपन असंभव कहें, बस शर्ते हमारी इच्छा शक्ति कितनी स्ट्रांग है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। पुनः मैं नए टॉपिक के साथ आपसे आगे मिलूँगी। धन्यवाद। नमस्ते।